Hello everyone. Today we are going to start question number 10, chapter 10, exercise 10.5 for class 9th and book will be taken as NCERT. Question number 10 says, if circles are drawn by taking two sides of a triangle, अगर हमें triangle की दो side लेके उस पे circles draw करने हैं, as diameter, prove that the point of intersection of the circles lie on the third side. That means what the question is saying, अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, लेट अस टेक वी हैव टेकन द ट्रायंगल एंड वी हैव ड्रॉन टू सर्कल्स, इनको डायमीटर लेके उसके टू साइड्स को डायमीटर लेके, दैट मींस इफ आई हैव ड्रॉन अ सर्कल लाइक दिस, इसको डायमीटर लेके, तो एक सर्कल मेरा, लेट मी टेक इट इज ए बी, ए बी को मैंने डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है एंड अनदर सर्कल आई हैव ड्रॉन टेकिंग दिस ए एंड सी, तो सो व्हाट आई हैव टू शो इज like this. This is not perfect in shape, but मेरे को शो क्या करना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है that lies on line B C. So here we will write what is given to us in this question. A B C triangle A B C is given. Then two circles are drawn taking AB and AC as diameters and sides of the triangle and what I have to prove in this question, I have to prove that D lies on BC. मेरा जो D पॉइंट है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, D जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल ये वाले का और इधर वाले सर्कल का, जिसको हम लेके चलते हैं कि ये O पे इसका सेंटर जो है वो O है और इसका जो सेंटर है वो O डैश है. ओके, हमें ये प्रूव करना है जो D है हमारा BC पे लाई करता है. हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी हैव जॉइन A टू डी. वी हैव जॉइन A to D joint. We have joined this. Now, I will take this triangle A, B, D. Here, I will start my proof or solution part. In triangle A, B, D, ये मेरा जो A, B, D होगा, what will be the measure of angle D? Angle A, D, B, will be equals to 90 degree. I'll give you the reason कि वो 90 degree का हमने क्यों लिया. Similarly, in triangle ACD, angle ADC will be of 90 degree. इसका reason क्यों? Angles drawn या angles subtended in the semicircle are always of 90 degree. जो भी semicircle आपके पास होता है, let us take we have a semicircle और semicircle में जो भी आप angle draw करेंगे, अगर आप कोई triangle बनाते हैं, तो अगर कोई angle draw होता है, तो angle will be drawn always equal to 90 degree. तो ये देखो, ये हमारा एक semicircle form हो रहा है, ये देखो, ये semicircle है और semicircle में हमारे ये angle बन रहा है, तो ये angle कितने degree का हो जाएगा? 90. ऐसे ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये भी किसमें बन रहा है? सेमीसर्कल में बन रहा है. तो ये एंगल की मेजर भी किसके इक्वल होगी? 90 डिग्री. हियर यू मे मेंशन एंगल्स ड्रॉन इन सेमीसर्कल. आप इनका रीजन दे सकते हैं. दैट मींस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, आपके पास जो होगा वो 180 डिग्री का होगा. क्यों 180 डिग्री का होगा? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है. वो आपके पास क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. और एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी, देखो ये पूरा एंगल कैन बी राइट इट एज बी डी सी. एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल प्लस ये एंगल तो हमें क्या दे देगा? एंगल ए बी डी सी दे देगा. एंड बी वेयर बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये आपके पास 180 डिग्री का आपने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है. और स्ट्रेट लाइन कब बना है? जब बी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? बीसी के ऊपर लाई कर रहा है. विच शोज दैट पॉइंट डी लाइज ऑन बीसी ओनली.
you may mention that our point B, that our point D lies on BC only. Very easy, है ना? So इसमें proof construction अगर आप properly चलेंगे, you will get full marks for this question if you are doing the question by step procedure. I hope this is clear. If you have not noted down, please go and review the video again, view it again. Question number 11 of the same exercise says ABD and ADC are two right triangles. ABD आपके पास एक right angle triangle है. Okay, this is A, B and C. और इन्होंने बोला ADC are two right triangle with common hypotenuse. Hypotenuse जो आपके पास वो common रहेगा. और ADC भी आपके पास एक right angle triangle है, तो D पे भी आपका angle 90 degree बनता है. This is 90 degree, this is 90 degree. यहाँ तक दिस इज वट वी हैव अंडरस्टूड. प्रूव दैट्स एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी दैट मीन्स अवर दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी. और मेरे को सी बी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. वट आई हैव टू शो माई दिस एंगल इज इक्वल टू माई दिस एंगल. वट इज गिवन टू मी, गिवन ए बी डी एंड ए डी सी आर टू right angle, R2 right angled triangle, angled triangles. Okay, they have given to me, and what I have to prove, I have to prove angle CAD is equal to angle CBD. Okay, this is what I have to prove. ये वाला angle के equal है. Now we will construct join B to D. This is what we have joined, and taking O as the center, as the center of the circle, center of circle. Construct, taking O as the center, draw a circle. आप एक circle draw करेंगे. कैसे, इसको center लेके आप इस तरीके से एक circle draw करेंगे, like this. You will construct a circle. Now, here proof में कुछ है ही नहीं, nothing is there in the proof of this question. Just see how. Just have a focus on CD. CD हमारा क्या है, अगर मैं पूरे सर्कल को कंसिडर करती हूँ, वट इज माई CD? CD इज माई कॉर्ड. एंड वी हैव डन एंड डिस्कस्ड इफ अ कॉर्ड मेकिंग एन एंगल इन द सेम सेगमेंट. ये जो CD कॉर्ड है वो दो एंगल बना रही है ऊपर वाले मेजर सेगमेंट में. ये माइनर सेगमेंट है देखिए, और वो जो बाकी का बचा हुआ है दैट इज अवर मेजर सेगमेंट. दिस कॉर्ड CD इज मेकिंग टू एंगल. वन इज दिस एंगल, एंगल CAD, एंड अनदर इज एंगल DCBD. ये दो एंगल वो बना रही है. एंड दोनों ही एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, दैट वी नो. सो हियर वी कैन राइट कोड CD, taking chord CD, एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD. बस यही लिखना है. रीजन आपको पता होना चाहिए, एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड, subtended by the chord in the same segment are same. Hence proved. बस यही करना था इस क्वेश्चन में, नथिंग. सिर्फ एक थ्योरम थी हमारे पास, उस थ्योरम का हमें यूज करना था, एंड इट इज वेरी क्लियरली एंड ऑटोमेटिकली इट इज प्रूवन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. Let us see the last question of this exercise as well as last question of this chapter. What is the question number 12 is, prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. Cyclic आपके हमें क्या प्रूव करना, prove that a cyclic parallelogram is a
रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव. तो यहाँ पे आप अपना गिवन लिख सकते हैं. हम यहाँ पे पहले फिगर बनाएंगे. फिगर हमारे पास कैसी है कि हमारे पास कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है. लेट अस टेक, वी हैव अ सर्कल. हम सर्कल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. दिस इज नॉट सर्कल एग्जैक्टली. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कल आ जाएगा. लेट अस टेक, ये हमारे पास कोई सर्कल है, इसके अंदर कोई पैरेललोग्राम है. ए बी सी एंड दिस इज माई डी. वट आई हैव टू शो माई ए बी सी डी जो कि एक पैरेललोग्राम है, मुझे प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल भी है. तो यहाँ पे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम टू पैरेलल लाइन एंड जी एम. पैरेललोग्राम वेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी सी. टू प्रूव, मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है ये तो मेरे पास ऑटोमेटिकली. अगर मेरे को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अपोजिट साइड मेरे को इक्वल दिखानी थी जो कि पैरेललोग्राम से ऑटोमेटिकली है. दैट मीन्स हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय देम ओनली. आई हैव टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. मतलब मेरे पास जो काम है प्रूव करने का, दिस इज वट आई हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. ये भी करना था बट ये उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको पैरेललोग्राम बोल के मेरा काम सॉल्व कर दिया. सो यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं और यू मे राइट इट एज सॉल्यूशन. अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं. या ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन भी छोड़ो, जस्ट हैव अ लुक. अगर मेरे पास कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम मेरे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. बिकॉज सम ऑफ और एंगल बी प्लस एंगल डी का भी सम मेरे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास है, वो सर्कल के अंदर है, तो अपोजिट एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री होगा. एंड एंगल ए जो होगा, इजंट इट इक्वल टू एंगल सी. और पैरेललोग्राम मुझे क्या कहती है कि एंगल ए का जो सम होता है एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी का जो एंगल बी जो मेरे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल. ये मेरे पास इक्वेशन हम 3 लेट कर लेते हैं. इसको 1, इसको 2 एंड इट विल बी माई 3 एंड 4. नाउ टेकिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एंगल ए प्लस एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए. यहाँ पे एंगल सी को मैं एंगल ए रख सकती हूँ क्योंकि सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए विल बी ऑफ 90 डिग्री. अगर मेरा ए 90 डिग्री है तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है. दैट मीन्स माई एंगल सी विल बी ऑफ 90 डिग्री. दो एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री के आ चुके हैं. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. वट इज द वर्क लेफ्ट, आई हैव टू शो माई एंगल बी इज इक्वल टू माई एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम प्रोसीजर आई विल फॉलो आउट हियर. एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 4, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमने ये उठाया है, इक्वेशन 2 ले लेते हैं पहले. चलो इसको बाद में ले लेते हैं. अब हम यहाँ पे 4 को लेके आएंगे. डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है. हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि डी किसके इक्वल लिख दिया मैंने, बी के इक्वल लिख दिया. इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फोर. नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी विल बी ऑफ 90 डिग्री. और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल. तो मेरा एंगल डी भी किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. और ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि वो आपके पास क्या गिवन था, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. हेंस ए बी सी डी is a what? Is a rectangle. Hence, ABCD is a rectangle. I hope these questions are clear for you, are pretty much clear for you. These are the theorem, very small and very important theorem. Okay, take care of all these theorems
एंड एट लास्ट आई जस्ट वुड लाइक टू से, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई पर्सनल मोटिवेशन. स्टे ट्यून विद मी. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.